अगर मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दे। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। क्या अमीषा है गदर के लिए एक्साइटेड? क्या है अमीषा के ख्यालात? क्यों अब तक शुरू नहीं हुई मूवी के क्लाइमेक्स की शूटिंग? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ गदर 2 मूवी से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दोस्तों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा। आज हम गदर मूवी की सकीना यानी अमीषा पटेल के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों है गदर 2 अमीषा के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी और क्या है अमीषा के ख्याल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। अमीषा पटेल एक बेहतरीन एक्ट्रेस और मॉडल है। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 2000 की कहो ना प्यार से की थी और गदर एक प्रेम कहानी उनकी दूसरी मूवी थी। उनकी पहली ही दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में एज अ सपोर्टिव एक्ट्रेस काम किया है। हमराज, रेस 3, भूल भुलैया में उनका काम काबिले तारीफ है। वो सिर्फ हिंदी सिनेमा तक ही नहीं बल्कि साउथ मूवीज में नजर आई। उन्होंने नानी नाम की तमिल मूवी में भी काम किया जिसमें वो साउथ सुपरस्टार महेश बाबू के साथ दिखी थी। इस मूवी के अलावा उन्होंने कई और तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया है। उन्होंने एनटीआर जूनियर के साथ भी काम किया है और अब इस साल वो गदर की कथा कंटिन्यूस के लिए तैयार है। इस मूवी के लिए वो काफी एक्साइटेड है क्योंकि उन्हें 20 सालों बाद फिर से सकीना बनने का मौका मिला। अमीषा के लिए सकीना का किरदार काफी अहम है और गदर 2 उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है क्योंकि पिछले 3 या 4 सालों से उनकी एक भी हिट मूवी रिलीज नहीं हुई है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि गदर 2 से अमीषा अपना कमबैक करने जा रही है और हाल ही में उन्होंने अपने ख्याल बताते हुए कहा था कि वो हमेशा ही अपनी फिल्मों के लिए एक्साइटेड रहती है, लेकिन गदर 2 के लिए वो ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी नहीं बल्कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवी है। क्योंकि इंडियन मूवी हिस्ट्री में ये पहली बार ऐसा है कि मूवी जिसके रीमेक में 20 सालों के बाद भी सेम कास्ट नजर आने वाली है। बता दें कि अमीषा पटेल ने अपनी साउथ फिल्मों के एक्सपीरियंस के बारे में भी कहा कि विजय, महेश बाबू, पवन कल्याण और JRNTR जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम करके वो खुद को लकी मानती है। हाल ही में चल रही लैंग्वेज डिबेट के बारे में भी उन्होंने कहा कि एक सिली पॉइंट है, लेकिन ट्रबल काउज करने वाले लोग हमेशा ही कोई पॉइंट निकाल ही लेंगे। उनके हिसाब से लैंग्वेज हैज नो बैरियर और हम भी अमीषा की इस बात से अग्री करते हैं। अमीषा एक बेहतरीन एक्ट्रेस है, वो बड़ा या छोटा जो किरदार निभाती है उसमें अपना 100% देती है। एक अमेजिंग एक्ट्रेस के साथ साथ वो एक सुपर मॉडल भी है जिन्होंने कई लड़कियों को इंस्पायर किया है। क्या आपको अमीषा पटेल पसंद है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें और सेफ रहें। बाय बाय।